हेलो सब्सक्राइबर, वेलकम बैक टू कंस्ट्रक्शन प्लैनेट। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम पिछले 2 महीने से कहाँ गायब थे। तो सिट बैक एंड कीप वॉचिंग। लास्ट हमने अपनी ऑटोकैड की वीडियो अपलोड करी थी अराउंड 10th और स्टार्टिंग ऑफ फरवरी। उसके बाद से हमने इस चैनल के ऊपर कोई वीडियो अपलोड नहीं की और ये तकरीबन ठीक ठाक 2 महीने का गैप है। तो इस 2 महीने के गैप में हम गायब कहाँ थे? तो हुआ कुछ यूँ, ऑटोकैड की 5वीं या 6वीं वीडियो अपलोड करने के बाद मुझे मौका मिला साउथ कोरिया जाने का। तो आई वॉज ऑन ट्रिप टू साउथ कोरिया फॉर अराउंड 7 to 8 days। वो ट्रिप काफ़ी इंजॉयबल रही। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कंट्री है, बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री है। बहुत घूमने में मज़ा आया, काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिली। अनफॉर्चुनेटली ये वही टाइम था जब कोरोना वायरस और COVID-19 अपने पीक पे मौजूद था। तो जब हम कोरिया से वापस आए तो हमें 14 दिन के क्वारंटीन के ऊपर रहना पड़ा। 14 दिन क्वारंटीन में रहे। उसके बाद कुछ फैमिली इंगेजमेंट्स ऐसी रही कि कुछ वीडियो बना नहीं पाए। उसके बाद अचानक पाकिस्तान के अंदर लॉकडाउन स्टार्ट हो गया और मेजॉरिटी ऑफ अस वर वर्किंग फ्रॉम होम। इस टाइम पीरियड के अंदर मैंने नोटिस किया कि ओवरऑल दी ई लर्निंग लैंडस्केप, चाहे वो लिंक्डइन हो, यूट्यूब हो, वट एवर यू नेम इट, देयर वर काउंटलेस न्यूमरस वेबिनार्स एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग सेशंस गोइंग ऑन। सो मैंने सोचा कि ये बेहतर टाइम है कि अपने स्किल्स को अपग्रेड किया जाए और उसके बाद फिर आप लोगों तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए। और जब इतना कुछ हर जगह हो रहा होता है तो यू गेट लॉस इन द क्लटर। तो वो टाइम हमने लिया, कुछ अपने स्किल्स डेवलप किए। एंड आई बेट यू इन कमिंग फ्यू वीक्स वी विल बी अपलोडिंग मोस्ट इंटरेस्टिंग सेशंस ऑफ दिस चैनल। राइट नाउ वी विल बी डाइविंग डीप इन द डाटा एनालिटिक्स एंड डाटा विजुलाइजेशन फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। सो कीप वॉचिंग। और ये टाइम हमने थोड़ा सा लिया अपने स्टूडियो को अपग्रेड करने के अंदर। पहले हम एक बहुत ही मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के अंदर बैठे हुए थे और एक बहुत ही क्लमजी और बहुत हेक्टिक सेटअप था। तो हमने सोचा कि ये जो टाइम है हमें मिला है, 1.5 से 2 महीने का टाइम है, वर्क फ्रॉम होम टाइम है, तो इसमें अपने स्टूडियो को अपग्रेड किया जाए। तो एज यू कैन सी वी हैव अपग्रेडेड आवर स्टूडियो। सिर्फ स्टूडियो ही नहीं, हमने साथ साथ अपनी पोस्ट प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ को भी इन्हेंस किया है। हमने कुछ नए एडिटिंग टूल्स लिए हैं, कुछ नए एडिटिंग सॉफ्टवेयर सीखे हैं। सो यू विल बी सीइंग एन अप स्केल इन द प्रोडक्शन क्वालिटीज़ ऑफ दिस वीडियो। अब सवाल रहा कि हमने चैनल कहाँ पर ड्रॉप किया था। तो वी वर इन द मिडल ऑफ लर्निंग आवर ऑटोकैड जर्नी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना ऑटोकैड का जर्नी क्लोज करेंगे। वी विल बी टेकिंग ऑन एन अ चैलेंजिंग एक्सरसाइज और जिसको कंप्लीट करने के बाद हमारा ऑटोकैड का सफर खत्म हो जाएगा। और उसके बाद हम डाइव करेंगे डाटा विजुलाइजेशन और डाटा एनालिटिक्स पावर बीआई के ऊपर। वो भी एक इंटरेस्टिंग सेशन होगा। उसमें हम देख रहे होंगे हम किस तरीके से पावर बीआई को यूटिलाइज कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स रिलेटेड डाटा एनालिसिस और डाटा विजुलाइजेशन के ऊपर। तो उस पर भी एक कंप्लीट सीरीज आने वाली है। सो कीप विद अस, कीप वॉचिंग। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। टिल देन सी यू।